सीनियर हो इसलिए मुझे ब्लेम करता है कि किरण रिजिजू ने हमारा टिकट काट दिया है। मैं कुछ तय नहीं करता हूँ, पार्टी तय करता है। मैं भी सीनियर जरूर हूँ लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं आम कार्यकर्ता जैसे है मैं वही हूँ। इसमें मैं अपना चॉइस करके किसी को टिकट देता नहीं हूँ, किसी को काटता नहीं हूँ। हर 5 साल में चुनाव तो होना ही है और चुनाव में पब्लिक को मौका मिलता है कि अपना प्रतिनिधि चुनने का, तो हर पार्टी अपना अपना कोशिश करते हैं। मैंने अपना प्रदेश के लिए और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जितना काम करते आया है आगे भी करेंगे। तो इस चुनाव में मुझे लगता है कि देश भर में जैसे हवा है मोदी जी के नाम से, वैसे अरुणाचल में भी उसी हिसाब से लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। और मुझे लगता है कि हमारा बीजेपी का जितना जो MLA कैंडिडेट्स हैं वो भी भारी बहुमत से लोगों का विश्वास प्राप्त करके चुन के आएंगे और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा होगा। लोगों का मानना है और विश्वास हमको दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ जनता के लिए काम करता हूँ। बात करें तो सर, इस बार जो है 3 सिटिंग मिनिस्टर्स को बीजेपी का टिकट नहीं मिला, तो काफी नाराजगी है कोई कोई डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हर इलेक्शन में कुछ लोग नाराज जरूर होता है क्योंकि सबका उम्मीद होता है टिकट क्लेम करने का और टिकट मिलेगा ऐसा उम्मीद रहता है। तो एक को ही प्रतिनिधि बनाएंगे, 2 आदमी को तो टिकट दे नहीं सकता है। तो जिसको टिकट नहीं मिलता है तो उसका स्वाभाविक रूप से उसका नाराज़गी होना वो तो हम समझ सकते हैं। इसलिए किसी का दुख किसी का सुख ये हम लोग उसको मिलाते हुए फिर एक टीम बना करके आगे चलेंगे। जैसे कि MP हमारा अरुणाचल से 2 ही लोग जाएंगे, सब तो नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से एक विधानसभा में एक ही को टिकट मिलता है, टिकट 2 को तो दे नहीं सकता है, तो ये समझना होगा। मेरे तरफ से कोई बहुत मेरा ज़्यादा फेवरेट है, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ ऐसा नहीं है। मेरे दृष्टि से सब बराबर है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जो BJP में नहीं है वो भी मेरा अपना है। आप लोग सबको मालूम है मैं जब यहाँ लोकसभा चुन के आए थे शुरू में, उसमें कोई पार्टी के अलावा भी जो भी हमको समर्थन करते थे हम खुलेआम उनको स्वागत करते थे। तो एज ए लोकसभा कैंडिडेट मैं पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन वोट तो जो पार्टी में नहीं है वो भी समर्थन देंगे। और जब मैं इस देश का एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते मेरे लिए सब बराबर है। और BJP का अंदर तो भेदभाव का सवाल ही नहीं है, लेकिन वही एक टिकट एक को देना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ लोग नाराज होंगे तो उसको हम लोग समझाएंगे। वैसे तो पार्टी में एक कमिटी बनता है, कमिटी तय करता है, लेकिन कभी कभी क्या, मैं सीनियर हूँ इसलिए मुझे ब्लेम करता है कि किरण रिजिजू ने हमारा टिकट काट दिया है। मैं कुछ तय नहीं करता हूँ, पार्टी तय करता है। मैं भी सीनियर जरूर हूँ लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता जैसे है मैं वही हूँ। इसमें मैं अपना चॉइस करके किसी को टिकट देता नहीं हूँ, किसी को काटता नहीं हूँ। BJP में बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टी के अंदर में चर्चा करके फिर टिकट का घोषणा होते हैं। इसलिए जो जिसको टिकट नहीं मिला वो भी मेरा अपना है, इसको हम मना लेंगे।